नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्राउन ज्वेल्स में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच पर तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर वो होने वाले गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली के मैच को कैसे भुलाया जा सकता है। WWE हॉल ऑफ फेम गोल्डबर्ग समरस्लैम के बाद से ही बदले की आग में जल रहे हैं, लेकिन क्या वे अपना बदला क्राउन ज्वेल में पूरा कर पाएंगे? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि हमें गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली के मैच में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और इस मैच की पॉसिबल एंडिंग किस तरह हो सकती है। तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इस मुकाबले की एंडिंग में देखने को मिल सकती है वह यह है कि द हार्ट बिजनेस यानी शेल्टन बेंजामिन एंड शेड्रिक एलेक्जेंडर बॉबी लेस्ली की मदद करें यह मुकाबला जीतने में। इस मैच के दौरान ये दोनों ही गोल्डबर्ग का ध्यान भटकाने के लिए उनके बेटे गेज के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इस चीज़ का फायदा बॉबी लेस्ली उठा सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गोल्डबर्ग को इस मैच में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है वह यह है कि बॉबी लेस्ली एक और बार गोल्डबर्ग के घुटनों को टारगेट करें, जैसा कि उन्होंने समरस्लैम के दौरान किया था गोल्डबर्ग को इंजर्ड करने के लिए। और इस तरह बॉबी लेस्ली इस नो होल्ड्स बैरेड मैच में जीत हासिल कर सकते हैं और एक तरह से यह बॉबी लेस्ली की क्लीन विक्ट्री होने वाली है, जहां पर वह बिना किसी की हेल्प लिए गोल्डबर्ग को चारों खाने चित कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जिस पॉसिबल एंडिंग के सबसे ज़्यादा चांस है वह है कि गोल्डबर्ग यहां पर अपना सक्सेसफुली बदला पूरा करें और इस मैच में एक क्लीन जीत हासिल करें, जैसे कि समरस्लैम में बॉबी लेस्ली ने गोल्डबर्ग के बेटे गेज के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद से ही गोल्डबर्ग बदले की आग में जल रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि क्राउन ज्वेल में वह बॉबी लेस्ली को मार डालेंगे। तो शायद क्राउन ज्वेल में अब गोल्डबर्ग सक्सेसफुली अपना बदला पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यह उनका आखिरी चांस हो सकता है बॉबी लेस्ली के खिलाफ। तो गाइज, क्या है आपके ओपिनियन इस मैच को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।